देश के ज्यादातर सूबे के लोग मैदानी इलाकों में पै रही अति गर्मी तो बचने लिए पहाड़ी सूबे का रुख कर रहे हैं, जिसे चलदे वड्डी गिनती में सैलानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली डलहौजी शिमला से होर सैर सपाटा वाली थावां ते पहुंच रहे हैं। पर हिमाचल दी ठंडिया वादियों का लुत्फ उठा रहे सैलानियों नूं रत्ता भी कोरोना की शायद परवाही नहीं। ज्यादातर सैलानी बिना मास्क के ही इत्थे घूमते नजर आए हैं, जिस करके कोरोना महामारी की संभावित तीजी लहर का खतरा वधदा होया नजर आ रहा है। तस्वीरां धर्मशाला ते कुल्लू मनाली दियां वेख रहे हो, जिथे कि लोग ठंडी हवावां दा लुत्फ ले रहे ने, लेकिन उत्थे ही कोरोना दी कहर तो शायद इन्हां नूं हुण कोई डर नहीं। बिना मास्क ते लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग दी पालना करदे घूमदे नजर आए ने। डर तो है जी, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कोरोना पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक डर तो है ना। हमने इसीलिए हम यहाँ सैटरडे के आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ दो दिन आया नहीं, सैटरडे संडे की मंडे को थोड़ा रश कम होगा फिर जाएंगे। दो दिन हम पालमपुर में घूम के आए हैं। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं बाहर। फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे तंग कर रहे हैं घर में बैठे, भी बोर हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पेंट्रेट कर रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है? आपने तो घर में बैठा दिया, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने देखनी है। अभी टूरिस्ट बड़ा है तो और रिस्की हो जाएगा, तो लिमिटेशन तो कुछ चाहिए थी। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और खूब क्राउड है। दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे रश तो बढ़ रहा है, आजकल बढ़ रहा है, सैटरडे और संडे को ज्यादा रश था। मनाली में हडिम्बा टेम्पल पे क्राउड था, मॉल रोड पे ज्यादा क्राउड था। आने वाली तीसरी लहर के बारे में हमें पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से अवहेलनाएं हो रही हैं, ये प्रशासनिक और सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।